बच्चों, आओ हम नमक और शक्कर का विलयन बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास बीकर में 100-100 ml पानी है और शक्कर है और नमक है। हमें शक्कर और नमक का विलयन उस अवस्था तक बनाना है कि जब शक्कर का घुलना पानी में बंद हो जाए। इसी प्रकार नमक का भी विलयन हम उस अवस्था में प्राप्त करेंगे कि नमक का घुलना उसमें बंद हो जाए। चलिए पहले बीकर में 1 चम्मच शक्कर डाल देते हैं। देखिए शक्कर इसमें घुल जाए तब तक हम नमक का विलयन भी बना लेते हैं, साथ ही साथ उतनी ही मात्रा में नमक को दूसरे बीकर में डालते हैं। इसे भी घोल लिया जाए। थोड़ी और शक्कर हम बीकर में डालते हैं, इसे भी उसी प्रकार घोलेंगे और देखते हैं कि कितनी शक्कर इसमें घुलती चली जाती है। नमक घुल गया है, जितना नमक हमने डाला था वो घुल गया है। हम इसमें और नमक की मात्रा डाल सकते हैं। यह प्रक्रिया भी हमें तब तक लगातार करनी है जब तक नमक का घुलना पानी में बंद ना हो जाए। देखिए बच्चों, शक्कर के इस विलयन में शक्कर की इतनी मात्रा हमने इसमें मिला दी है कि अब और अधिक शक्कर इसमें घोली नहीं जा सकती। शक्कर की अतिरिक्त मात्रा तली में बैठना शुरू हो गई है। इसी प्रकार नमक का विलयन भी हमने जो तैयार कर लिया है, इसमें और अधिक नमक अब इसमें नहीं घुल पाएगा क्योंकि नमक भी तली में बैठना शुरू हो गया है। आइए अब इसे हम गर्म कर देखते हैं। तो बच्चों, शक्कर के इस विलयन को हम गर्म कर रहे हैं और इसके लिए हमने स्पिरिट लैम्प की सहायता ली है। इसको गर्म करने से आप देखेंगे कि तली में बैठी हुई शक्कर घुलती चली जा रही है। देखिए 1 चम्मच शक्कर और डालकर देखते हैं क्या होता है। तापमान के बढ़ने पर अतिरिक्त शक्कर जो हमने इसमें डाली थी वह भी घुलती चली जा रही है। तो बच्चों, अब यही प्रक्रिया हम नमक के विलयन के साथ करते हैं। नमक के विलयन को भी हम गर्म कर रहे हैं। देखिए अतिरिक्त नमक जो तली पर बैठा हुआ था वह घुलता चला जा रहा है। आइए 1 चम्मच नमक और डालकर देखते हैं क्या होता है। देखिए ये अतिरिक्त नमक जो हमने डाला वह भी तापमान के बढ़ने पर घुलता चला जा रहा है। बच्चों, किसी निश्चित ताप पर विलायक में विलेय की उतनी ही मात्रा घुलती है जितने की उसकी विलायक क्षमता होती है। किसी निश्चित ताप पर निश्चित आयतन में जब विलेय का घुलना बंद हो जाता है तो हम इस स्थिति में विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। और उस ताप पर संतृप्त विलयन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है उसे हम उसकी विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं। यदि किसी विलयन में विलेयता स्तर से कम विलेय घुला हो तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो बच्चों, इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जब हम संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो अतिरिक्त विलेय उसमें घुलने लगते हैं और ठंडे होने के पश्चात भी वह विलेय जो है वह घुलित अवस्था में हमें दिखाई दे रहा है। उस ताप पर इस प्रकार के विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ही अतिरिक्त विलेय रवे बनते हैं, जैसे कि चाशनी। आपने देखा होगा चाशनी जब गर्म रहती है तो वह घुली हुई अवस्था में द्रवित अवस्था में ही होती है, परंतु ठंडा होने के पश्चात हमें शक्कर के रवे दिखने लगते हैं।